वेंकट राव क्या तकदीर है मेरी, किस गलती की मुझे सजा मिल रही है। कम से कम वो कहीं ना कहीं जिंदा होगी ये उम्मीद तो है, लेकिन तुझे देखकर लगता है बहन के लिए किसी को मार देगा या खुद ही मर जाएगा, ये सोचकर हम सब डर रहे हैं। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तूने अब तक एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए दिन रात मेहनत की और अब मौका मिला है तो तू सब कुछ भुलाकर दीवानों की तरह दर दर भटकना चाहता है। ये सब क्या है छोटे? जो होना था वो हो गया। तेरे इस तरह सब कुछ छोड़ के भटकते रहने से कविता लौट कर तो नहीं आएगी। तेरी दिल्ली जाने का लास्ट चांस है, बेकार अपना कैरियर खराब मत कर, चल जाने की तैयारी कर। इसकी बात मान ले छोटू, हम सब तेरी भलाई चाहते हैं, अपने पसंदीदा खेल के लिए ही सही, तू चला जा यहाँ से। बोलता क्यों नहीं रे, तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर तू नहीं गया तो तुझे मेरी कसम। केशव ठाकुर की पत्नी घर छोड़कर भाग चुकी है, ये लोगों को पता चला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा, मर चुकी है वो, ऐसी खबर फैला दो। जाओ पकड़ो उसे। बातें बताती थी लेकिन प्यार की बात नहीं बता पाई। उसका नाम केशव ठाकुर है, गांव गंगाघाट जिला कानपुर। बदतमीजी की थी उसने, इसलिए शॉपिंग मॉल में मैंने उसे एक चांटा मारा और फिर मैंने कहा यही मार डालूंगी,
मार खाने पर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, पागलों की तरह पीछे घूमने लगा। उसकी सिंसियरिटी पर भरोसा करके मैंने भी उसे प्यार किया। अरे हेलो, मैं उससे शादी करना चाहती थी ये मैं बताना चाहती थी, लेकिन सब परेशान हो जाएंगे इसलिए मैं चुप रही। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शादी करके उनके घर गई। वो घर कैसा है जानते हो भैया? वो सिर्फ घर नहीं, एक बहुत बड़ा राजमहल है। हम जो कहता हूँ उसका उल्टा मत कहो। दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने जैसा कहना ही हमारी आदत है। हमारी बात माना तो बच जाएगा, वरना जान खो देगा। ये हमरा से दांत है। आओ बिटिया आओ, आओ बिटवा आओ। बहुत सुंदर है, कहीं हमरी नजर ना लग जाए। माई तनिक देखो तो, हमरी पोहरिया आई है, नया सिक्का की लक्ष्मी देवी की तरह चम चम चमक रही है। ऐसा क्या देख रही हो बोहरिया? अपने ससुर जी के पैर छुओ। बिटवा के काल पर मार कर अब हमरे पैरों पर गिर पड़ी है। तेरी वजह से इस शहर में हमरा नाम खराब हो गया था। ए, सैया घसी का चित्र निकाल के कहानी लिखा था ना, बोल बोल। मैं कुछ नहीं जानता मालिक, मुझे छापने के लिए कहा, मैं छाप दिया मालिक। ए, दिखा रहे इसको, चल पढ़ पढ़। बेटे के गाल पर लड़की का चांटा, बाप की इज्जत पर चप्पल का चांटा। यही 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 तोहरा चांटा हमारी इज्जत को पूरे गांव में बदनाम कर रखा है ससुरी। आज तो इन्हें छोड़ा। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मालिक, मालिक। तुझे भी खत्म करवाता। ये हमरा बिटवा हमको बोला कि बाबूजी, उसके गले में मंगलसूत्र डालकर इस घर की बहू बनाऊंगा, जिस मुंह पर मारा उसी मुंह का झूठा खिलाऊंगा बोला। थूक तभी हमरे इस दिल को शांति मिलेगी बोला। इसलिए तू मरेगी नहीं, तू जिंदा रहेगी जरूर, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, जिंदा लाश। याद रखना, भूलना नहीं, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। जा जा। केशव, ये सब क्या है? ससुर जी ने मुझे इतना कुछ कहा और तुम चुपचाप यहाँ खड़े हो? अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। चाटे का बदला तेरी जिंदगी को नरक बना देगा। आप ही बताइए, मैं इस घर की बहू हूं ना? धोखा खाया भैया, कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की मैंने, पर कर नहीं पाई। बैठू तो गलत, खड़ी रहूं तो गलत, यहाँ तक के रोने के लिए और मरने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। आप सबका प्यार पाने वाली आज मैं अपना ये दुख, अपना ये दुख बताने के लिए तड़प तड़प रही थी भैया। भैया मुझ पर एक एहसान करोगे? सिर्फ एक बार मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज भैया, मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज।
नहीं मालिक। ए, जो डर कर भाग गया वो अधमरा होता रे। अधमरे को अब हम कहाँ मारूंगा? आकर हमारे पैरों पर गिर जाओ, हम माफी दे दूंगा, सबको छोड़ दूंगा।